हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए संस्कृत का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सदा जोड़ एओ की संधि क्या होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सदा जोड़ एओ की संधि क्या होगी, तो सदैव होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। ए ऑप्शन है नौ निर्माण, बी ऑप्शन है मनौता का विनाश, सी ऑप्शन है मनौता का कल्याण, डी ऑप्शन है मनुष्यता का उत्कर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है, तो अशांति से मनौता का विनाश होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। ए ऑप्शन है प्रधानाचार्य, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है परीक्षक, डी ऑप्शन है तक्षक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो शिक्षक प्रवेश करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है श्रेष्ठ, बी ऑप्शन है कुलीन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो श्रेष्ठ और कुलीन दोनों होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कुल संस्कार कितने होते हैं, तो संस्कार 16 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और इन 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आज की इस वीडियो में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। ए ऑप्शन है आधुनिक काल से, बी ऑप्शन है मध्य काल से, सी ऑप्शन है प्राचीन काल से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुंचे। ए ऑप्शन है विचित्रकूट, बी ऑप्शन है स्वर्णकूट, सी ऑप्शन है चित्रकूट, डी ऑप्शन है पर्णकूट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण कहाँ पहुंचे, तो चित्रकूट पहुंचे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, जो सच में आलसी थे वो नहीं भागे। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो
हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था? ए ऑप्शन है राजगृह में, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, सी ऑप्शन है गया में, डी ऑप्शन है वैशाली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूलों का अधिक उत्पादन कहाँ होता था, तो पाटलिपुत्र में होता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पटना है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है? ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? ए ऑप्शन है स्वामी दयानंद की, बी ऑप्शन है राधा मोहन ओझा की, सी ऑप्शन है रामस्वरूप शुक्ल की, डी ऑप्शन है गणेश ओझा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो स्वामी दयानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि रघुवंशम किनकी कृति है? ए ऑप्शन है वाल्मीकि की, बी ऑप्शन है तुलसीदास की, सी ऑप्शन है कालिदास की, डी ऑप्शन है माघ की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रघुवंशम किनकी कृति है, तो रघुवंशम कालिदास की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है? ए ऑप्शन है अग्नि पुराण से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है रामायण से, डी ऑप्शन है महाभारत से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित किया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? ए ऑप्शन है मैत्रेयी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है देवकुमारी का, डी ऑप्शन है सुमन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि कैमूदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है गया में, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैमूदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरक के कितने दरवाजे होते हैं, तो नरक के 3 दरवाजे होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे? ए ऑप्शन है समर्थक, बी ऑप्शन है विरोधी, सी ऑप्शन है पक्षधर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे, तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? ए ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है संसार, सी ऑप्शन है राष्ट्र, डी ऑप्शन है विदेश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं, तो संसार दिखते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर।
20 नंबर प्रश्न है कि मूल शंकर घर छोड़कर किसके पास गए। ए ऑप्शन है गिरजानंद के पास, बी ऑप्शन है बिरजानंद के पास, सी ऑप्शन है शिवानंद के पास, डी ऑप्शन है भवानंद के पास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूल शंकर घर छोड़कर किनके पास गए, तो बिरजानंद के पास गए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए। ए ऑप्शन है मंत्रियों ने, बी ऑप्शन है चोरों ने, सी ऑप्शन है धूर्तों ने, डी ऑप्शन है पहरेदारों ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसियों के सुख देखकर कौन आलसी बनने की कोशिश किए, तो धूर्त लोग आलसी बनने का कोशिश किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ए ऑप्शन है कौरव के पक्ष से, बी ऑप्शन है पांडव के पक्ष से, सी ऑप्शन है राम के पक्ष से, डी ऑप्शन है रावण के पक्ष से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ए ऑप्शन है संस्कारों से, बी ऑप्शन है बैर भाव से, सी ऑप्शन है अशांति से, डी ऑप्शन है मित्रता से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। ए ऑप्शन है मूर्ख, बी ऑप्शन है अज्ञानी, सी ऑप्शन है विद्वान, डी ऑप्शन है साधक मनुष्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, तो साधक मनुष्य कर लेता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था। ए ऑप्शन है टंकारा, बी ऑप्शन है संकरा, सी ऑप्शन है भीखन टोला, डी ऑप्शन है कोटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के गांव का नाम क्या था, तो टंकारा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ए ऑप्शन है दानशील और ईमानदार, बी ऑप्शन है कोमल, सी ऑप्शन है कठोर, डी ऑप्शन है निर्दयी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानशील और ईमानदार थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। ए ऑप्शन है चूहा, बी ऑप्शन है खरगोश, सी ऑप्शन है चींटी, डी ऑप्शन है पुजारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो मूर्ति पर चढ़कर चूहा खा रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है सूर्य, बी ऑप्शन है कर्ण, सी ऑप्शन है इंद्र, डी ऑप्शन है शिव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। ए ऑप्शन है दया, बी ऑप्शन है लोभ, सी ऑप्शन है काम, डी ऑप्शन है आलस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु कौन है, तो आलस है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है जैमिनी, बी ऑप्शन है आर्यभट्ट, सी ऑप्शन है चरक, डी ऑप्शन है वराहमिहिर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो खुद चरक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है बंदर, बी ऑप्शन है वनचर, सी ऑप्शन है पर्वत, डी ऑप्शन है मयूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी में कौन नाचते हुए प्रतीत होता है, तो पर्वत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी। ए ऑप्शन है नीति का, बी ऑप्शन है धर्म का, सी ऑप्शन है अर्थ का, डी ऑप्शन है आत्म तत्व का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, बी ऑप्शन है अशोक के काल में, सी ऑप्शन है बुद्ध के काल में, डी ऑप्शन है मुगल वंश के काल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ए ऑप्शन है दानव को, बी ऑप्शन है मानव को, सी ऑप्शन है छात्रों को, डी ऑप्शन है पशुओं को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शास्त्र किसे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, तो मानवों को कराता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रांति, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय अशांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं। ए ऑप्शन है सत्यवादी, बी ऑप्शन है कटुवादी, सी ऑप्शन है प्रियवादी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं, तो प्रियवादी पुरुष सभी जगहों पर सुलभ होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलता है। ए ऑप्शन है अपकर्ष, बी ऑप्शन है उत्कर्ष, सी ऑप्शन है आकर्ष, डी ऑप्शन है प्राकर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलता है, तो उत्कर्ष देखकर जलता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है। ए ऑप्शन है कोलकाता में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है, तो मुंबई में की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। ए ऑप्शन है विवाह संस्कार के पूर्व, बी ऑप्शन है उपनयन संस्कार के बाद, सी ऑप्शन है विवाह संस्कार के साथ ही, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। ए ऑप्शन है उपला, बी ऑप्शन है वत्सला, सी ऑप्शन है अर्गला, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया। ए ऑप्शन है धर्मांतरण, बी ऑप्शन है मर्मांतरण, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो
यहाँ पे आपको बताना है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया, तो धर्मांतरण किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। ए ऑप्शन है गुरु नानक, बी ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी ऑप्शन है गुरु अंगद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि धर्म की रक्षा किससे होता है। ए ऑप्शन है सत्य से, बी ऑप्शन है विद्या से, सी ऑप्शन है वृत्ति से, डी ऑप्शन है युद्ध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धर्म की रक्षा किससे होता है, तो सत्य से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ए ऑप्शन है सोने का कंगन, बी ऑप्शन है चांदी का कंगन, सी ऑप्शन है तांबे का कंगन, डी ऑप्शन है लोहा का कंगन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि भीखन टोला गांव कहाँ है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है कलकत्ता में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला गांव कहाँ है, तो भीखन टोला गांव बिहार में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि कणस्य दान वीरता के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भाष्य, बी ऑप्शन है कालिदास, सी ऑप्शन है वाल्मीकि, डी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कणस्य दान वीरता के लेखक कौन है, तो भाष्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है। ए ऑप्शन है उत्तर दिशा में, बी ऑप्शन है पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है दक्षिण दिशा में, डी ऑप्शन है पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, तो उत्तर दिशा में गंगा बहती है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में संस्कृत के काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं, और ये जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।